بسم الله الرحمن الرحيم लेक्चर नंबर 24 टॉपिक है ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉजिक गेट्स पढ़ा था कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसके जो एंड गेट, आर गेट, नैंड गेट, इस तरह हमारे पास नॉट गेट है, नैंड गेट है, ठीक है, और भी एक्स आर वगैरह, ये सब चीज़ हमने पढ़े। अब हम आते हैं न्यू टॉपिक की तरफ, वो क्या है, वो हमारे पास है ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। ये भी आजकल हमारे पास एक जिस तरह हम ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं या ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदना मतलब खरीदते हैं या मतलब सेलिंग करते हैं इसका या बाइंग करते हैं, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस कहते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क होता है, इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस वगैरह होते हैं, मतलब एक हाई लेवल पर होता है और एक हमारे पास लो लेवल पर होता है। लेकिन हम डिस्कस करते हैं कि इस ई कॉमर्स का क्या मतलब है और इस ई बिजनेस का क्या मतलब है, इसके फिर कुछ टाइप्स होते हैं, हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं ई कॉमर्स है कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। तो ई कॉमर्स रिफर्स टू, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यहाँ पर हमारे पास जो ई मेंशन है, ई, इस ई का क्या मतलब, इस ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स का क्या मतलब है, तो आप हमने डिस्कस करना है कि इसका क्या मतलब है, हमने मतलब किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने हमने करना है, ठीक है। तो अब हम डिफिनेशन की तरफ आते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग व्हिच डन बाय द वेब और इंटरनेट। आपने सेलिंग करना है या बाइंग करना है, तो आपने किस चीज के थ्रू करना है, आपने या इंटरनेट के थ्रू करना है या आपने वेबसाइट के थ्रू करना है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स के। The process of selling and buying which done by the web or internet, इसका मतलब है कि आपने जो चीज़ ऑनलाइन बाइंग करना या मतलब जो खरीदना या सेलिंग करना, आपने फरोख्त करना है, तो इसका क्या मतलब, आप इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। फिर हमारे पास इसमें दूसरा पॉइंट है, अनलाइक फिजिकल स्टोर इन ई कॉमर्स देयर इज नो नीड फॉर द बायर एंड द सेलर टू मीट विद ईच अदर टू डू द होल सेलिंग एंड बाइंग प्रोसेस। इसमें आपने फिजिकल अपीयरेंस इसमें वो नहीं है, आपने क्या करना है, आपने सारा कुछ ऑनलाइन करना है, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट का ये मतलब है कि इसमें फिजिकल स्टोर नहीं है, कि जिस तरह आप लोग मतलब फिजिकली आपने कोई स्टोर मतलब वहाँ पर आपने जाना है, आपने कुछ चीज़ें खरीदना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल स्टोर कहते हैं। लेकिन इस ई कॉमर्स का क्या, इसमें हमारे पास फिजिकल स्टोर नहीं है, आपने सारा कुछ क्या करना है, आपने इंटरनेट के थ्रू आपने क्या करना है, और इसमें ये जरूरत भी नहीं है कि बायर और सेलर एक दूसरे के साथ क्या कर ले, कम्युनिकेट फिजिकली कर ले, नहीं, आपने कम्युनिकेशन करना है लेकिन आपने ऑनलाइन कम्युनिकेशन करना है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप्स की तरफ कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, मतलब इसके कितने टाइप्स है, हमने कितने तरीकों से या कितने टाइप्स से हमने मतलब ई कॉमर्स को हमने हैंडल करना है, कितने तरीकों से हमने इसको क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो हम स्टार्ट लेते हैं बिजनेस टू बिजनेस, इसका क्या मतलब है, इसको हम शॉर्ट पर क्या कहते हैं, बी टू बी। इस तरह पेपर्स में एमसीक्यूज आते हैं कि बी टू बी स्टैंड्स फॉर व्हाट, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, इस तरह हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। या इसका मतलब है कि बी टू बी बिजनेस यूज फॉर व्हाट, तो आपने क्या करना है, इसमें आपने एक ऑप्शन को चूज करना है जो इसके साथ मतलब क्या हो, रिलेटेड हो, तो इसी तरह की एमसीक्यूज में पेपर में आते हैं, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस का क्या मतलब है, इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, आपने जितनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है किसके थ्रू, आपने बिजनेस टू, आपने मतलब कंपनी के कंपनी, आपने क्या करना है, ट्रांजेक्शन जो करना है, इसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। किस तरह, इधर देखिए, एक हमारे पास इधर एक पॉइंट है, बिजनेस बिटवीन टू कंपनीज आर बिजनेसेस, जो कंपनी और कंपनी एक दूसरे के साथ जो सेलिंग और बाइंग करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। हमारे पास एक टाइप फर्स्ट कर ले, हमारे पास इधर एक है ये में है माइक्रोसॉफ्ट, और दूसरा इधर हमारे पास एक और कंपनी है वर्क कर, वो हमारे पास एडोब फोटोशॉप का है या जो भी, तो इन दोनों के बीच जो सेलिंग और बाइंग हो रहा है, हमारे पास दो बिजनेस है, ये एडोब फोटोशॉप वाले भी इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया तो इसके ऊपर वो बिजनेस करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले भी विंडोज बनाया इसके ऊपर भी वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन इसका कुछ प्रोडक्ट इसको चाहिए या इसका प्रोडक्ट इसको चाहिए, तो इनके बीच हमारे पास जो सेलिंग और बाइंग हो रहा है, इसका इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बिजनेस टू बिजनेस है। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है कि दो कंपनीज के बीच हमारे पास जो सेलिंग और बाइंग का जो प्रोसेस हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, इसको हम कहते हैं।
फिर इसका दूसरा टाइप है वो हमारे पास है बिजनेस टू कंज्यूमर, इसको हम क्या कहते हैं B2C। ये हमारे पास एक और टाइप है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। एस्टेब्लिश आपकी बिजनेस बिटवीन द सेलर एंड कंज्यूमर, इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास फर्ज कर ले एक कंपनी है या जो भी है, फर्ज कर ले हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंपनी है और वो कौन सी प्रोडक्ट मतलब प्रोवाइड करते हैं, फर्ज कर ले डेल लैपटॉप या HP है, Lenovo है, ठीक है, मैक है, जो भी है। तो इसके साथ क्या होते हैं, मल्टीपल कंज्यूमर्स आते हैं और ये प्रोडक्ट क्या करते हैं मतलब खरीदते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कम बिजनेस है लेकिन इसके साथ क्या होते हैं मल्टीपल कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब है कि वो उसको क्या करते, इसी प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं मतलब यूज करते हैं, इसको लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। और ये हमारे पास बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन ई कॉमर्स का एक मतलब क्या है टाइप है कि वो ज्यादातर हम मतलब वो ये वाला यूज करते हैं, मतलब पूरी दुनिया में ये वाला ज्यादा है, मतलब कंज्यूमर ज्यादा है और बिजनेस हमारे पास एक कंपनी है या एक बिजनेस है, फर्स्ट कर ले या सीमेंट का एक फैक्ट्री ले ले या जो इस तरह हमारे पास इस मार्कर का एक कंपनी है, तो इसके साथ क्या होते हैं मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक बिजनेस है और इसके साथ क्या होते हैं मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स का क्या मतलब है, जो इसको यूज करते इसको ये चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। और ये वो हमारे पास वो कॉमन टाइप आप ई कॉमर्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये हमारे पास एक और टाइप है कि वो हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर से क्या मतलब है। यहाँ पर हमने बिजनेस टू बिजनेस की बात की कि हमारे पास दो कंपनीज के बीच हमारे पास क्या होता है जो सेलिंग और बाइंग का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। फिर हमारे पास है बिजनेस टू कंज्यूमर, आपने बिजनेस क्या करना है कंज्यूमर के साथ, आपने बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस करना है। यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड है वो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का क्या मतलब है कि दो कंजम्पशन वाले जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कंजम्पशन मतलब जो सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस करते हैं। इसका ये मतलब है कि इसमें थर्ड पार्टी जो पर्सन है या थर्ड पार्टी जो कंज्यूमर है वो इसमें इन्वॉल्व है। किस तरह, फर्ज कर ले आपने यहाँ पे कोई चीज खरीदना है तो ये हमारे पास एक है और ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है हमारे पास, तो ये क्या है हमारे पास है जो कंज्यूमर, ये भी है ये भी कंज्यूमर है। या हम इस तरह इसका एग्जाम्पल मवेशी मंडी में जो इस तरह होता है कि हमने कोई जानवर खरीदना है तो इसके वो इसको हम दलाल कहते हैं। तो दलाल क्या करते हैं, एक के साथ भी बातें करते हैं दूसरे के साथ भी बातें करते हैं, तो इन दोनों के बीच हमारे पास क्या है कंज्यूमर थर्ड पार्टी पर्सन तो आता है लेकिन तीनों हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं, लेकिन इसके बीच जो बाइंग और सेलिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास क्या होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। मतलब जो मैंने बात की दलाल की बात की, दलाल का क्या मतलब है कि इसने वो चीज़ खरीदा है फिर दूसरे बंदे के ऊपर वो फिर क्या करते हैं दोबारा फेरोख्त करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहते हैं। फिर हमारे फोर्थ नंबर पर है कंज्यूमर टू बिजनेस, इसको हम C2B कहते हैं। क्या कहते हैं C2B। ये भी हमारे पास जिस तरह हमने बात की कि बिजनेस टू कंज्यूमर हमारे पास जो कॉमन होते हैं, तो ये भी हमारे पास एक कॉमन टाइप ऑफ ई कॉमर्स है कि इसके अलावा हमारे पास जो बिजनेस है या जो कॉमर्स वगैरह होते हैं या जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं या बाइंग के जो सेलिंग का प्रोसेस होता है इसमें अगर कंज्यूमर टू बिजनेस इन्वॉल्व है तो फिर वो प्रोडक्ट मतलब वो डन नहीं हो सकते, मतलब वो इसका जो प्रोसेसिंग स्टेज है वो कंप्लीट नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो ऑल काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल्स वेयर द फाइनल यूजर are the customers create a product or service that a company uses to complete their business. First कर ले एक business है, first कर ले मैंने जिस तरह example दे के एक cement factory है, first कर ले ये एक cement factory है लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, अगर वो businesses को क्या करना चाहते हैं वो explore करना चाहते हैं लेकिन इसके पास वो अगर online इसका क्या नहीं है online website है तो किस तरह उनको क्या करते हैं online ordering वो क्या करते हैं लोग करते हैं, तो इसके लिए जो वेबसाइट है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो कंज्यूमर प्रोवाइड करते हैं। मैं एक कंज्यूमर हूँ लेकिन मेरे पास वो स्किल है कि मैंने वेबसाइट को क्या करना है डेवलप करना है, तो मैंने वो ये कंज्यूमर ने क्या किया वही वेबसाइट बिजनेस के लिए वो डेवलप की, लेकिन ये कंज्यूमर फिर वही वेबसाइट को यूज करता है किसी बिजनेस को क्या करने के लिए, फर्ज कर इससे सीमेंट खरीदने के लिए इसको ऑर्डर देने के लिए वो क्या करता है वही यूजर कंज्यूमर आते हैं और इसी बिजनेस को फिर क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। तो बिजनेस के लिए भी कंज्यूमर रिक्वायर्ड है कि किस चीज के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट या क्रिएशन के लिए, जो वो प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं अगर इसी के पास वेबसाइट है तो फिर किस तरह वो लोग इनके मतलब इनको ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंज्यूमर टू बिजनेस होता है।
फिर हमारे पास है फिफ्थ नंबर बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, ये हम इस डिस्कस करते हैं। इसका क्या मतलब है, कवर्स एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन दैट कैरी आउट बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट। एक कंपनी है और वो गवर्नमेंट के साथ क्या करता है, सेलिंग और बाइंग का जो प्रोसेस है वो क्या, इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट कल माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी और वो मतलब फर्स्ट कल एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो भी है, तो इनको वो क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वही सर्विसेज इसके बीच हमारे पास जो सेलिंग और बाइंग का जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि एक कंपनी है, एक बिजनेस, उन्होंने एक चीज डेवलप किया, प्रोडक्ट डेवलप किया और वही प्रोडक्ट पर क्या करना, आपने गवर्नमेंट के साथ इसका ट्रांजेक्शन करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और इसका शॉर्टकट हमारे पास क्या है, बी टू ए। ठीक है, लास्ट इसमें हमारे पास है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं, सी टू ए। इसका क्या मतलब है, ये भी हमारे पास आजकल बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि ये कौन सी किस्म का, मतलब जो ई कॉमर्स का कौन सी टाइप है कि हमने ये चीज, ये सारे हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि ये मतलब हम क्या करते हैं। इसी वजह से हमने ये मतलब कंप्यूटर जो आप लोगों का जो कोर्स है इसी में हमने ये टॉपिक इंक्लूड किया, आप लोगों को पता चल जाए कि हमने किस तरह जो बिजनेस करना है या जो हमने प्रोडक्ट खरीदना है या हमने एक दूसरे के साथ जो बिजनेस रिलेशनशिप हमने क्रिएट करना, तो इसको हमने कौन सा टाइप यूज करना है, तो इसी वजह से हमने ये टॉपिक को करना है। ठीक है, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि सी टू ए इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन दैट हैपन बिटवीन द कंज्यूमर विद द गवर्नमेंट। फर्स्ट कर ले, गवर्नमेंट ने कंज्यूमर जितनी भी हमारे पास होते हैं जो अपने मुल्क के होते हैं या मतलब बैरूनी मुल्क के होते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने गवर्नमेंट के साथ, फर्स्ट कर ले हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, तो वही मल्टीपल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे वो फीस सबमिट करते हैं, तो इसी के बीच वो फिर वो इसके साथ क्या करते हैं, मतलब जो लोग मतलब यहाँ पे वो सबक पढ़ते हैं या मतलब एजुकेशन हासिल करते हैं, ठीक है, तो इसी के बीच हमारे पास आपने क्या करना है, आपने पेमेंट करना है और इसी पेमेंट को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। आपने गवर्नमेंट को आपने या आपने यूनिवर्सिटी को आपने क्या करना है, आपने मतलब इसको ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करना है, मतलब जो इसको हम क्या कहते हैं, फीस वगैरह कहते हैं या इस तरह हमारे पास और भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, या आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, पेमेंट फीस सबमिट करना है, तो इस तरह हमारे पास और भी, या इस तरह हम कहते हैं कि जो ऑनलाइन, मतलब आजकल तो हमारे पास नादरे में भी ऐसे सिस्टम है कि आपने ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड के लिए या जिसको आई डी कार्ड कहते हैं या पासपोर्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हमने कौन सी बिजनेस में हमारे पास आती है या कौन सी ई कॉमर्स टाइप में आती है, हमारे पास कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। इसमें हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ फिर कंज्यूमर क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। फिर अब हम आते हैं बिजनेस की तरफ, के ये तो था ई कॉमर्स के, आपने कॉमर्स किस तरह हैंडल करना है इलेक्ट्रॉनिकली। अब हम आते हैं बिजनेस की तरफ, के बिजनेस क्या चीज है, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। refers to the use of internet extract with an internet to interact to business। आपने क्या करें, आपने इंटरनेट यूज करना है इसी को, मतलब अगर ई बिजनेस करना है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जब भी आपने कहा तो आपने इसके लिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब कि आपने कंप्यूटर के थ्रू आपने क्या करना है, बिजनेस करना है, तो इसी वजह को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। लेकिन इसके लिए आपने कौन सा चीज यूज करना है, आपने इंटरनेट यूज करना है, एक्सट्रैक्ट यूज करना है या इसके लिए उसको हम वेब कहते हैं, ठीक है, एंड इंटरेक्ट टू बिजनेस, आपने फिर बिजनेस के साथ इंटरेक्शन करना है, किसके थ्रू, इंटरनेट या वेब के थ्रू आपने सारा कुछ करना है। Includes wider kind of business process such as electronic ordering process, supply chain management system, customer relation management system। अच्छा, आपने जितनी includes wider kind बहुत ज्यादा चीजें हमारे पास, आप इसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, इसको हम मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर प्रोसेस। इसमें हमारे पास ये होता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आपने क्या करना है, ऑर्डर आपने क्या करना है, फर्स्ट कर एक कंपनी के साथ आपने क्या करना है, ये हमारे पास एक कंपनी और ये हमारे पास क्या होता है, बिजनेस कंपनी है, और फिर यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, तो फिर वो उसको ऑर्डर देते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में चाहिए, तो फिर वो ऑर्डर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर प्रोसेस। फिर हमारे पास है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपने इसका सप्लाई का जो चेन होता है कि जिस तरह आपने बात की कि इधर हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं, आपने किस तरह इसको क्या करना है, इस चेन को मैनेजमेंट करना है,
इसको क्या कहते हैं सप्लाई चेन। इस तरह हमारे पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है कि आपने इसके साथ कस्टमर का जो रिलेशनशिप आपने इसका किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। तो ये सब चीज हमारे पास किस चीज में आती है, ये हमारे पास बिजनेस में आती है। इसका मतलब है कि आपने इस कस्टमर के साथ आपने जो इसको हम क्या कहते हैं मतलब आपने इसके साथ जो एग्रीमेंट साइन किए, तो इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व, तो फिर आप ये सब चीज आपने क्या करना है मैनेज करना है, ठीक है। इसके भी हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स तो हमारे पास ई कॉमर्स के ज्यादा, लेकिन इसमें हमारे पास बी टाइप्स होती है, ठीक है। एक हमारे पास होता है पे और प्ले और दूसरा हमारे पास है ब्रिक एंड क्लिक। पे और प्ले का ये मतलब है कि रिफर्स टू डेट अ कंपनी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये बिजनेस में हमारे पास एक कंपनी स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर वो क्या कहते हैं वो फोकस करते हैं। पर्सनली माइक्रोसॉफ्ट है तो वो ज्यादा फोकस किस चीज पे करते हैं, विंडो पे करते हैं। एडोब फोटोशॉप है तो वो ज्यादातर मतलब वो फोटोशॉप के ऊपर, कोरल ड्रा है तो कोरल ड्रा के ऊपर वो करते हैं। इस तरह हमारे पास और भी, या फेसबुक पर है तो वो सारा कुछ फेसबुक से जितनी भी चीज रिलेटेड वो इस पे फोकस करते हैं। तो हमारे पास ये जितनी भी चीजें होते हैं, तो आपने एक प्योर बिजनेस में हमारे पास एक चीज के ऊपर आपने क्या करना है, आपने इस पे फोकस करना है। मतलब आप मल्टीपल चीज को आप पेयर नहीं कर सकते, आपने स्पेसिफिक चीज के ऊपर आपने क्या करना है फोकस करना है। इसमें एक दूसरा टाइप है ब्रिक एंड क्लिक, रिफर्स टू रन दियर बिजनेस इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये हमारे पास ब्रिक का मतलब है कि आपने ऑफलाइन करना है, क्लिक का मतलब है कि आपने ऑनलाइन के थ्रू आपने क्या करना है बिजनेस को आपने हैंडल करना है, आपने रन करना है, ठीक है। किस तरह फर्स्ट कर ले, जिस तरह मैंने बात की है एक सीमेंट कंपनी है, तो इसके साथ आप ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं। अगर ऑनलाइन तो फिर आप कब नहीं जाए, और अगर आप मतलब ऑर्डर दे तो ये हमारे पास ऑफलाइन हो गया। अगर आपने मतलब घर पे आप मौजूद है और आपने घर से मतलब आपने ऑर्डर दे तो ये हमारे पास क्या होते हैं ऑनलाइन क्लिक वाला होते हैं। ब्रिक का क्या मतलब है कि आपने फिजिकली उधर जाना है, आपने फिजिकली आपने क्या कर ऑर्डर दिया, इसको क्या कहते हैं ब्रिक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके दो टाइप्स होते हैं। फिर अब हम आते हैं इसके डिफरेंस की तरफ के ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ई कॉमर्स हमारे पास कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। किस चीज के लिए, कमर्शियल ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है कि आपने सारा कुछ ऑनलाइन कर, जिस तरह हमने ई टाइप्स पढ़ी हमारे पास क्या कमर्शियल ट्रांजेक्शन होते हैं। ये हमारे पास होता है ई बिजनेस, क्या होता है ये हमारे पास बिजनेस प्रोसेस के लिए, आपने सिर्फ बिजनेस प्रोसेस के लिए आपने जो चीज यूज करना क्या कहते हैं ई बिजनेस कहते हैं। अगर आपने कमर्शियल बिजनेस का मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना तो फिर आपने ई कॉमर्स यूज करना है। बाइंग एंड सेलिंग, आप इसमें हमारे पास सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होता है, क्या होता है आप सिर्फ खरीद और फरोख्त कर सकते हैं इस ई कॉमर्स में। ई बिजनेस में आप एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, आप इसके साथ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, आप इसमें मतलब और प्रोडक्ट वगैरह आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बिजनेस होता है। ये हमारे पास वेबसाइट यूज करता है ई बिजनेस ई कॉमर्स, ये हमारे पास वेबसाइट यूज करता है, जिस तरह हमारे पास अमेजोन है या ईबे, इस तरह हमारे पास और भी ऐसी वेबसाइट का हम इसके थ्रू क्या दराज डॉट पी के, इस तरह हमारे पास और भी ऐसे वेबसाइट हम इसके थ्रू क्या करते हैं हम बिजनेस मतलब जो सेलिंग और बाइंग करते हैं इससे, ठीक है। ये हमारे पास सीआरएम और ईआरपी, जिस तरह हमने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हमारे पास किसमें ये चीज यूज होती है, ठीक है। ये हमारे पास ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस, ये हमारे पास ई बिजनेस का एक सबसेट है। सबसेट हम किस चीज को कहते हैं, इधर देखें, ये हमारे पास एक होता है सुपरसेट और एक होता है सबसेट। तो सुपरसेट में हमारे पास सब चीजें मौजूद है, सबसेट में हमारे पास इससे कुछ थ्री फर्स्ट का हमारे पास 1, 2, 3 अप टू 10 है, और इधर हमने 3, 5, तो ये इसका सबसेट हो गया। मतलब सबसेट का मतलब है कि इससे कुछ फीचर इसमें मौजूद है, सब फीचर इसमें मौजूद नहीं है, कुछ एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं सबसेट कहते हैं। तो सबसेट का क्या मतलब है कि ई कॉमर्स इस बिजनेस के कुछ एलिमेंट्स यूज करते हैं, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस। फिर इसमें एक पॉइंट है कि ई बिजनेस इज अ सुपरसेट ऑफ ई कॉमर्स, इसमें सब चीजें मौजूद है। अगर आपके पास बिजनेस अवेलेबल है तो बिजनेस मौजूद है, आप बिजनेस रन करते हैं तो फिर आपके पास मतलब ये ई कॉमर्स के जितनी भी चीज फिर आपके पास वो होंगे, लेकिन ई कॉमर्स में इतने वो फीचर्स इन्वॉल्व नहीं जो जितने हमारे पास ई बिजनेस में मौजूद है। किस तरह, आप इसमें सिर्फ बाय और सेलिंग कर सकते हैं, इसमें आप एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन आप बिजनेस में वो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आउटवर्ड प्रोसेस है, आउटवर्ड प्रोसेस का क्या मतलब है कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर देना है फिर आपके पास वो चीज आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं आउटवर्ड कहते हैं। इनवर्ड प्रोसेस का क्या मतलब है कि आपने सारा कुछ इसी बिजनेस के अंदर आपने सारा कुछ करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं इनवर्ड प्रोसेस कहते हैं।
फिर हमारे पास ई कॉमर्स हम बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए ज्यादा तरीफ है, जिस तरह आपने बात की बिजनेस टू कंज्यूमर के, आपने बिजनेस है और आपके साथ मल्टीपल कंज्यूमर्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर में हमारे पास कौन सा चीज यूज होता है, ई कॉमर्स यूज होता है। बिजनेस टू बिजनेस के आपने दो कंपनी के बीच आपने क्या करना है, बिजनेस प्रोवाइड करना है, स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करना है, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन करना है, एग्रीमेंट करना है, तो इसके लिए हमने कौन सा यूज करना है, ये बिजनेस यूज का ही हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस है। यहाँ पे जगह नहीं है तो हम एक इसमें एक पॉइंट रहता है, उसको क्या कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, के ई कॉमर्स और ई बिजनेस के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है रिड्यूस मनी, इसमें पहला पॉइंट है रिड्यूस मनी। रिड्यूस मनी का क्या मतलब है, रिड्यूस मनी और टाइम इसके साथ भी मेंशन है, ठीक है, रिड्यूस मनी एंड टाइम, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब फर्ज कर ले अगर आपके पास वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने ऑफलाइन पर आपने क्या करना है, ब्रिक वाला आपने अप्लाई करना है। तो जब आप ब्रिक वाला अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कि आपने उधर जाना है कंपनी को, फिर आपने वहां पर ऑर्डर देना है। तो इसके साथ हमारे पास कौन कितनी चीज रिलेटेड है, इसके साथ कितनी चीज रिलेटेड है, एक तो ये कि आपने टाइम स्पेंड करना है इसके ऊपर, आपने मतलब उधर जाना है तो इसके मतलब इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, फिर आपने एक जगह से दूसरी जगह आपने जाना है तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड, तो इसके ऊपर कास्ट आता है। तो आपने उधर जाने मतलब दूर है तो फिर वहां पर आपने क्या करना है, आपने उधर रहना है, तो इसके लिए हमारे पास जो खाने पीने का या इस तरह हमारे पास और भी एक्सपेंसिस इस तरह होते हैं कि आपने वो क्या करना है करना है। तो इसी इन चीजों के लिए हमारे पास क्या रिड्यूस मनी एंड टाइम। तो हमारे पास जब ये ई कॉमर्स और ई बिजनेस का जो कंसेप्ट आ गया तो इससे हमारे पास मनी कंजम्पशन भी रिड्यूस हो गया और टाइम कंजम्पशन भी हमारे पास क्या हो गया रिड्यूस हो गया, इसमें हमारे पास बचत आ गया, ठीक है। इसमें ये चीजें आपने क्या करना है, आपने घर पे बैठ जाए और फिर आप सारा कुछ कर सकते हैं, तो इसका ये मतलब है, ये हमारे पास इसमें एक एडवांटेज है। फिर इसमें दूसरा एडवांटेज ये है कि बिजनेस फ्लेक्सिंग बिजनेस आओ, तो ये हमारे पास इसमें दूसरा क्या होता है फ्लेक्सिंग बिजनेस आवर्स। इसका ये मतलब है कि अगर हम दराज डॉट पी के या दराज डॉट पी के कम या जो भी इस तरह हमारे पास ओलेक्स है या अमेजोन है, ठीक है, या हमारे पास ईबे वगैरह है, तो जितनी भी चीजें हमारे पास होते हैं तो आपने घर पे मौजूद और मतलब आप हर टाइम पे मतलब आप इसको क्या कर एक्सेस कर सकते, आप ऑर्डर दे सकते हैं, आप खरीद सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस आप कर सकते हैं, हर टाइम हर इसके पास ये अवेलेबिलिटी मौजूद है। तो फ्लेक्सिंग बिजनेस आवर का ये मतलब है कि अगर हम फिजिकली जो हमारे पास जो बिजनेस होता है तो आप उधर जाएं तो इसका स्पेसिफिक टाइम पता है, फर्स्ट कर लें 8 to 5 PM या जो भी है, तो आपने इतने आवर के दरमियान मतलब बीच आपने क्या करना है, आपने सारा कुछ करना है, तो इसमें आपने टाइम का ख्याल रखना है। लेकिन इधर हमारे पास वो टाइम का ख्याल नहीं है कि आपने बस घर पे बैठ जाए आप सारा कुछ ऑनलाइन मतलब बिजनेस सेलिंग और बाइंग कर सके, तो इसमें ये एक एडवांटेज और भी है, ठीक है। फिर हमारे पास है रिमूव लोकेशन रिस्ट्रिक्शन। रिमूव लोकेशन रिस्ट्रिक्शन का ये मतलब है कि इसमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने उधर नहीं जाना, मतलब अगर हम इसी हम किस तरह कहते हैं कि अगर हमने मतलब लाहौर जाना है कराची जाना है, तो इसमें हमारे पास जो लोकेशन का जो रिस्ट्रिक्शन होता है मतलब रास्ते में इस तरह एक हादसा वगैरह ना पेश ना हो जाए, ठीक है, या इस तरह हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ इसके साथ रिलेटेड कि हम इससे क्या हम डरते हैं इससे, तो इसमें वो चीज़ है कि आपने घर पे मतलब आपने सारा कुछ घर से आपने हैंडल करना है, ठीक है, मतलब आपने ऑफिस से सारा कुछ हैंडल करना है, आपने अपने सिस्टम से सारा कुछ हैंडल करना है, ठीक है। तो आप और काम भी इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन आप और जगह पे भी और काम करें और इसके साथ साथ आप क्या करें ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस भी कर सकते, तो इसमें हमारे पास रिमूव लोकेशन रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास है इजीली ट्रैक योर बिजनेस ग्रोथ, इसमें आप अपना बिजनेस इजीली आप इसको क्या इसको ग्रोथ दे सकते हैं, मतलब आपने सारा कुछ वेबसाइट के थ्रू करना है, आपने सारा कुछ इंटरनेट के थ्रू करना है, इसमें हर टाइम पे आप इस आपके साथ अवेलेबिलिटी मौजूद है और इसमें आप अपना ग्रोथ आप क्या कर सकते हैं आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसका ये मतलब है। इसमें एक एडवांटेज रीच यूर कस्टमर फास्टर। अगर हम फिजिकली जिस तरह हमने बात की हमारे पास एक कंपनी है, तो इसके साथ जब कस्टमर विदाउट इंटरनेट अगर इसके साथ वो कम्युनिकेशन या आपने जो सेलिंग और बाइंग का जो प्रोसेस करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसके साथ मतलब हर कोई इसके साथ मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसके मतलब इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, मतलब एक बंदा हजारों बंदे तो हैंडल नहीं कर सकते,
तो इसी वजह से हमने क्या करें, इंटरनेट के थ्रू हम मतलब एक क्लिक के साथ सारा कुछ हम क्या करते मतलब वो हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें इसमें एक ये एडवांटेज भी है। तो ये था आज का लेक्चर ई कॉमर्स और ई बिजनेस के। ई कॉमर्स क्या चीज़ है, फिर इसके टाइप्स हमने पढ़े, इसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर हमने ई बिजनेस पढ़ा, ई बिजनेस के साथ टाइप्स, और फिर हमने डिफरेंसेस ऑफ ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, और लास्ट में हमने इसके एडवांटेजेस या एप्लीकेशन हमने पढ़े कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, हमने क्यों ई कॉमर्स और ई बिजनेस को यूज करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। जिसका भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर लें, हम इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई देंगे। थैंक यू।